नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का नंबर वन वेब चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता। मिथिला समाजवादी शक्ति के संयोजक डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम के अध्यक्षता में एक दिवसीय CAA और NRC के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दरभंगा स्थित बाजार समिति चौक के NH 57 के पास हुआ, जिसमें मुसलमान भाइयों ने रोजा और हिंदू भाइयों ने उपवास रखकर धरना में शामिल हुए, जिसमें रियाज खान कादरी, प्रोफेसर गंगा प्रसाद, नफीसुल हक रिंकू, जनक पासवान, मोहम्मद अलकमा, रुस्तम कुरैसी, उमर साहेब, जमशेद आलम, मोहम्मद मन्नत, दीपक यादव, मोहम्मद सुल्तान, महताब रूमी, मनोज राम, तौफिक चिंदा, जैद अहमद, मोहम्मद अली, मोहम्मद सगीर, राजेश कुमार, लाल बाबू, जावेद, मोहम्मद आजम शामिल हुए। वहीं पर मुल्क में अमन शांति, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, खुशहाली बनी रहे, इसके लिए सभी ने मिलकर दुआ भी की। अभी हम लोग भारत की जो गंगा यमुना सरस्वती की जो तहजीब रही है उसके अंतर्गत आज हमारे विभिन्न समुदाय के लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग जो है जो लोग हिंदू हैं वो उपवास रखेंगे और जो मुसलमान हैं वो एक दिवसीय रोजा रखकर इस बिल का जो बिल आया है CAA और NRC का मुखालफत करेंगे। और इस क्रम में इफ्तार के बाद हम लोग देश में अमन चैन के लिए, शांति बहाल करने के लिए और देश में कैसे खुशहाली रहे और यह देश मैं बार बार कहता हूँ कि जितना श्याम का है उतना इमाम का है, उतना ही जनक का है, उतना फिरोज का है और उतना ही रुपेंद्र सिंह जी का है और उतना ही राजू जी का है। तो इस देश में खुशहाली कैसे हो उसके लिए भी हम लोग तमाम लोग यहाँ पर बैठकर दुआ करेंगे और हम लोग आपके माध्यम से भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को, सर्वोच्च न्यायालय को कहना चाहते हैं कि यह जो बिल आया है यह बिल कहीं ना कहीं आपसी एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया है। यह आपसी एकता सद्भावना कैसे बना रहे इसके लिए हम लोग आज, क्योंकि हमारे गांधी जी ने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो उसकी याद को दिलाते हुए हम लोग एक दिवसीय जो है उपवास और रोजा के शक्ल में जो है धरने पर बैठे हुए हैं। कहाँ पे? यह स्थान है आपको बाजार समिति NH 57 के बगल में और यह शाहबाजपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। बगल में जमालचक भी है, कोठिया भी है, बंदी भोलका कनटिया और हमारे सहयोगी पंचायत के जो है मुखिया के प्रत्याशी थे जनक पासवान जी, ये भी हमारे साथ हैं और बहुत सारे साथी हैं, बसंत जी हैं, राजेश जी हैं, बलराम जी हैं और बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम। एक दिवसीय धरना पर हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, हमारे देश का जब आज़ादी के बारे में आया तो इस देश में 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर ये NRC ये CAA ये खंडित करने वाले लोग जरा भी थोड़ा अपना देश और प्रेम के भाईचारा के लिए नहीं सोचते हैं कि देश में न जाने कितना हिंदू मुसलमान अपना बलिदान दे करके अंग्रेजों के जंजीर से आज़ादी दिलाने में अपना अहम रोल किया, इस देश को शांति और ये देश हमेशा पूरे दुनिया का संदेश देता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग को यहाँ बहुत कदर से यहाँ जिंदगी शांति से जिया जाता है। और न जाने हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय या देश के प्रधानमंत्री महोदय हमारे देश में ये तरह तरह के शांति को अशांति करने के हमेशा सोचते हैं ताकि देश खंडित खंडित टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाए और इस देश पर मेरा हुकूमत चले। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा ये देश नहीं होने देगा, ये देश की पब्लिक, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारा लोग आपस में भाई भाई बन करके इस देश को हमेशा शांति दिलाने में हमेशा कायम रहा है और हमेशा रहेगा। मैं जनक पासवान जी, समाज सेवी, मनियारी पंचायत, दलित परिवार से आता हूँ। हिंदुस्तान
के संविधान के खिलाफ, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जो छेड़छाड़ इस वक्त हिंदुस्तान के संविधान में हुआ है, NRC और CA बिल लागू किया, जिसके विरोध में पूरे मुल्क में लोग एहतजाज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और दरभंगा में भी इसका विरोध हो रहा है रोज़ाना। आज हम लोग बाजार समिति NH 57 के बगल में एक दिवसीय धरना, यह धरना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे हमारे हिंदू भाइयों मुसलमान भाइयों, मुसलमानों ने रोज़ा रखा है, हिंदू भाइयों ने उपवास किया है, और एक दुआ शाम को इफ्तार के वक्त मांगी जाएगी इस मुल्क के सलामती के लिए, कि जो मुल्क की तहजीब है और जिस अमन सुकून के साथ हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर अपना खून बहाकर इस मुल्क को आज़ाद किया अंग्रेज़ों से, आज वो कायम रहे, इस वजह से आज ये धरना स्थल पर हम लोग बैठे हैं और अपनी मांगों को आपके ज़रिए हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और जो हमारा हिंदुस्तान एक अमन और शांति का पैगाम वाला हिंदुस्तान रहा है वो इसी तरह हमारा हिंदुस्तान बना रहे। क्या नाम हुआ? रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत।